नमस्कार फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम लोग आज टेक्निकल बाई रिकमेंडेशन स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। कुल लगभग 21 स्टॉक्स ऐसा है, इसका मैंने करेंट प्राइस और टारगेट प्राइस आपको बताऊंगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो शॉर्ट टर्म के लिए ये 4 महीने का टारगेट है, 4 मंथ्स के लिए आप इसको खरीद सकते हो, और जैसे टारगेट प्राइस आपका आ जाता है उसको आप बेच के निकल सकते हो। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन सा ऐसा 21 स्टॉक्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए 4 महीने के लिए आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज़ पर ये HDFC रिकमेंडेशन, ये स्टॉक्स का नाम मैं एक के बाद एक आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट स्टॉक्स है वो है हिंद कॉपर। इसका जो करेंट प्राइस है 169 रुपीज़ एंड इसका टारगेट प्राइस है 181 रुपीज़ से 200 तक ये स्टॉक्स जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स है UTI AMC। एक आपको पता है म्यूचुअल फंड हाउस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका जो करेंट प्राइस है 801 रुपीज़ एंड इसका टारगेट बताया जा रहा है कि 950 से भी ऊपर 4 मंथ्स में। नेक्स्ट स्टॉक्स है मोतीलाल ओसवाल का एक फाइनेंशियल स्टॉक्स। इसका करेंट प्राइस है 806 रुपीज़ एंड इसका जो टारगेट प्राइस बताया जा रहा है वो 940 रुपीज़ के भी ज़्यादा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉक्स है वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस है 240 रुपीज़ एंड इसका जो टारगेट प्राइस अभी सेट किया है इसका 270 है। नेक्स्ट स्टॉक्स है अशोका लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस 100 रुपीज़ है एंड इसका टारगेट प्राइस है 116 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक्स है फोनिक्स लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस है 836 रुपीज़ एंड इसका टारगेट प्राइस 925 रुपीज़ इन 4 मंथ्स। नेक्स्ट स्टॉक्स है हुतामाकी। इसका करेंट प्राइस है 286 रुपीज़ एंड इसका टारगेट प्राइस रहेगा 325 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक्स है स्पार्क। इसका करेंट प्राइस है 248 रुपीज़ एंड इसका जो टारगेट प्राइस है 345 रुपीज़ इसका टारगेट प्राइस रहेगा इन 4 मंथ्स। नेक्स्ट स्टॉक्स है रूपा। इसका जो करेंट प्राइस है 471 रुपीज़ एंड इसका टारगेट प्राइस है 600 रुपीज़, ठीक है, इन 4 मंथ्स। नेक्स्ट स्टॉक्स है HCL टेक्नोलॉजी। इसका करेंट प्राइस है 983 रुपीज़ एंड इसका प्राइस का टारगेट प्राइस रहेगा 1080 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक्स है जेनसर टेक्नोलॉजी। इसका करेंट प्राइस है 311 रुपीज़ एंड इसका टारगेट प्राइस है 365 रुपीज़। उसके बाद है महालोक। इसका करेंट प्राइस है 586 रुपीज़ एंड इसका टारगेट प्राइस रहेगा 625 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक्स है ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस है 652 रुपीज़ एंड इसका टारगेट प्राइस रहेगा 780 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक्स है बालमालवेयर। ठीक, नेक्स्ट इसका करेंट प्राइस है 141 रुपीज़ एंड नेक्स्ट इसका टारगेट प्राइस रहेगा 170 रुपीज़। इसका नेक्स्ट स्टॉक्स है जी इंडिया लिमिटेड, ZIL। इसका करेंट प्राइस 220 रुपीज़ एंड टारगेट प्राइस 250 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक्स है ब्लू डर्ट। इसका करेंट प्राइस है 5962 रुपीज़, इसका टारगेट रहेगा 7100 रुपीज़, ठीक है, इन 4 मंथ्स। नेक्स्ट स्टॉक्स है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस है बहुत ही छोटा प्राइस है, 46 रुपीज़ ओनली एंड इसका टारगेट रहेगा 50 से भी ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक्स है न्यू एश्योरेंस इंडिया लिमिटेड, इसको NIACL यहाँ पे है इसका नाम है, पूरा नाम नेशनल इंश्योरेंस न्यू एश्योरेंस लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस है 169 रुपीज़ एंड इसका टारगेट है 200 रुपीज़ इन 4 मंथ्स। नेक्स्ट स्टॉक्स है लूपिन। इसका करेंट प्राइस है 1230 रुपीज़ एंड इसका टारगेट प्राइस रहेगा 1440 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक्स है सन फार्मा। इसका करेंट प्राइस है 680 रुपीज़ एंड इसका टारगेट रहेगा अराउंड 760 रुपीज़। नेक्स्ट टैक्स स्टॉक्स है एक्सिस बैंक। इसका करेंट प्राइस है 738 रुपीज़ एंड इसका जो टारगेट प्राइस है वो है 790 रुपीज़। तो बने रहिए चैनल के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।